नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण शाही एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 20वीं सदी के महान चित्रकार पाब्लो पिकासो के बारे में बात करेंगे, उनके जीवन और उनके आर्ट वर्क के बारे में जानेंगे। पाब्लो पिकासो स्पेन के, या यूं कहिए कि पूरी दुनिया के महान चित्रकारों में से एक हैं। वे 20वीं सदी के सबसे अधिक चर्चित और विवादास्पद और समृद्ध कलाकार थे। उन्होंने तीक्ष्ण रेखाओं का प्रयोग करके घनमात को जन्म दिया। पिकासो की कलाकृतियां मानव वेदना का जीवित दस्तावेज है। उस समय के कलाकार जॉर्ज ब्रॉक और पिकासो दोनों साथ मिलकर घनवाद चित्र शैली को जन्म दिया। घनवाद चित्र शैली के ये पिता के रूप में जाने जाते हैं। घनवाद को इंग्लिश में क्यूबिज्म भी कहा जाता है। 25 अक्टूबर 1881 को मलागा स्पेन में ये पैदा हुए और 1973 ईस्वी में इनका निधन हो गया। कहा जाता है कि पिकासो जन्मजात कलाकार थे। बचपन में वो अपने साथियों को नाना प्रकार की आकृतियां बनाकर उनको आश्चर्य में डाल दिया करते थे। पिकासो के पिता एक कला अध्यापक थे, इसीलिए कला की प्रारंभिक शिक्षा उन्हें अपने पिता से मिली। किंतु 14 और 15 वर्ष की अवस्था में ही वो इतने उत्कृष्ट चित्र बनाने लग गए थे कि ऐसा कहा जाता है कि उनके पिता चित्रकारी का अपना सारा सामान उन्हें देकर भविष्य में कभी कूची या ब्रश न उठाने का संकल्प ले लिया। इस तरह से वो अपना पूरा सामान अपने बेटे पिकासो को दे दिए और स्वयं चित्रकारी करना छोड़ दिए। चित्रकारी में उच्च शिक्षा पाने के लिए पाब्लो पिकासो के पिता ने पाब्लो पिकासो को मैड्रिड अकेडमी में भेज दिया, लेकिन पिकासो को वहाँ का वातावरण उतना अच्छा नहीं लगा और वो वहाँ पर बहुत ही जल्दी ऊब गए। परिणाम स्वरूप वो पढ़ाई छोड़ दिए। वर्ष 1900 ईस्वी में वो कुछ समय के लिए पेरिस गए, और जैसा कि आप सभी को पता है कि उस टाइम या फिर अभी तक पेरिस यूरोप का वो स्थान रहा है जो कला का केंद्र समझा जाता था। पेरिस में पिकासो अनेक समकालीन कलाकारों के संपर्क में आए, उनकी कला पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ से स्पेन लौटकर उन्होंने उन्मुक्त होकर चित्र बनाने शुरू किए। उनके उस काल के चित्रों में गहरे नीले रंग और गुलाबी के फूल की बहुमुखता बहुतया प्रयोग किए गए। इनमें से अधिकांश की कथा वस्तु, जिसमें उन्होंने अपने विषय वस्तु समाज में शोषित वर्ग के लोगों को चुना और उसी से रिलेटेड, उसी को विषय वस्तु मान के अपने चित्रों को बनाना शुरू किए। वर्ष 1904 में उनकी कला में दूसरा मोड़ आया। इस काल में उन्होंने कलाबाजों, भांडों, मस्खरों, सितार वादकों के चित्र बनाए। वर्ष 1906 में उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध कलाकृति एविगनन की महिलाएं बनाने शुरू की। उन्होंने इस चित्र को लगभग एक वर्ष में पूरा किया। वर्ष 1909 ईस्वी में पिकासो ने कला के क्षेत्र में घनवाद का परिवर्तन किया। उनकी यह शैली 60 से 65 वर्षों तक आलोचना का विषय बनी रही और विश्व के सभी देशों में इसने युवा कलाकारों को प्रभावित किया। इन चित्रों में हर तरह के रंगों और रेखाओं का प्रयोग हुआ है। लगभग इसी समय उन्होंने इंग्रेज की कलाकृतियों में रुचि ली और महिलाओं के अनेक चित्र बनाए। इन चित्रों की तुलना प्राचीन यूनानी मूर्तियों से की जाती है। पिकासो किसी रूप में अत्याचार और अन्याय को स्वीकार नहीं कर सकते थे। सन 1937 ईस्वी में जब नाजी बमवर्षकों ने स्पेन की रिपब्लिकन फौज पर बमबारी की, तो उन्होंने नाजी हमलावरों के विरुद्ध अपना रोष जताने के लिए दिन रात मेहनत करके एक विशाल काय चित्र गुअर्निका बनाया, जो कि विश्व प्रसिद्ध और पिकासो की सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों में सबसे ऊपर मानी जाती है। इसके बाद उन्होंने स्वेच्छा से देश निकाला स्वीकार किया। इसके बाद उनको सजा दी गई, उनको देश निकाला घोषित कर दिया गया। देश से जाने के बाद उन्होंने कसम खाई कि जब तक स्पेन में फिर से रिपब्लिकन की स्थापना नहीं हो जाती, वह स्पेन नहीं लौटेंगे। ऐसा कहा जाता है कि पिकासो ने अपनी चित्रकला से अथाह दौलत कमाई, इतनी ज्यादा कि आज तक किसी भी कलाकार ने इस तरह अपनी कला से इतनी दौलत नहीं कमाई होगी। एक ओर वो निजी व्यक्तियों से अपनी कला के मोटी रकम लिया करते थे, वहीं दूसरी ओर उन्होंने बहुत से संग्रहालयों को अपनी पेंटिंग्स दान में दे रखे थे, या कुछ यूं समझिए कि निशुल्क भेंट कर दिए थे। पिकासो के बारे में कई रोचक कहानियां प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक दो के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो एक बार की बात है, एक कारपेंटर को वो हायर किए अपने घर में एक अलमारी बनाने के लिए।
पिगासो ने एक छोटे से पेपर पे रफली अलमारी का डिजाइन बना के उस कारपेंटर को बताया कि कुछ इस तरह का आपको अलमारी बनाना है, इसको देख के बताइए कि कितने पैसे आप इसके लेंगे। उस कारपेंटर ने कहा कि सर आप इसी पेपर पे अपना साइन कर दीजिए, मेरी पेमेंट हो जाएगी। पिकासो के जीवन से जुड़ी ढेर सारी घटनाओं में से एक घटना और है। एक बार की बात है कि इनके कई मेहमान, कई दोस्त इनके घर पे आए हुए होते हैं और वो सभी मेहमान देखते हैं कि पिकासो के घर में, जो कि एक बहुत बड़े कलाकार हैं, उनके घर में उनकी कोई भी पेंटिंग किसी भी दीवार पे नहीं टंगी हुई है। उस पर कुछ मेहमानों ने पिकासो से पूछा कि आप इतने बड़े कलाकार हैं, अपनी खुद की पेंटिंग अपने घर में क्यों नहीं लगाए हैं? क्या आपको आपकी पेंटिंग्स पसंद नहीं है? उस पर पिकासो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जी मुझे मेरी पेंटिंग्स तो बहुत पसंद हैं, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं अपनी पेंटिंग्स को खरीद लूँ। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के महान कलाकार पाब्लो पिकासो की छोटी सी जीवनी और ये रही इनकी कुछ महान कलाकृतियाँ। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेंसिल विद प्रविष्ट आई पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा और नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।